खबरों में हैदम, सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। महिला ब्राह्मण एकता मंच ने कोतवाली थाने पहुंचकर प्रीतम सिंह लोधी बीजेपी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ की शिकायत दर्ज। महिला प्रीतम सिंह लोधी वरिष्ठ नेता भाजपा जिला ग्वालियर के विरुद्ध ब्राह्मणों के विरुद्ध सभा में दौरान अभद्र टिप्पणी किए जाने के संबंध पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज की गई। कोतवाली थाना पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा पार्टी ने इस पर कार्यवाही करते हुए प्रीतम सिंह लोधी को पार्टी से अलग कर दिया है और लिखित में ब्राह्मण समाज से माफी मांगी है। ये श्री प्रीतम सिंह लोधी हैं, बीजेपी के बड़े जिम्मेदार नेता हैं। वो ग्वालियर में एक समारोह था, उस दौरान उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में बहुत गिरा हुआ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में उस संबंध में अपन बोल भी नहीं सकते सामने। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है उनकी, और वो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनको अब बीजेपी वालों के साथ ब्राह्मणों की वोट वोट भी नहीं चाहिए। इतना बुरा मतलब है, दुर्व्यवहार उन्होंने बातचीत की है, इससे हम उनकी घोर निंदा करते हैं। उसी के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दें। 15 तारीख को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के उपलक्ष में एक सम्मान समारोह में ग्वालियर जिले में प्रीतम सिंह लोधी ने एक बयान दिया था, और ये बयान कहीं ना कहीं सीधा सीधा ब्राह्मण समाज को एकदम टारगेट करके दिया गया था। उनका कहना ऐसा था कि हम पाखंड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पाखंड का विरोध नहीं, संपूर्ण एक ब्राह्मण समाज के भावनाओं को आहत करने वाला बयान था, जिसको मैं कहना भी नहीं चाहूँगा। हम लोग की आज मांग यहाँ पे यही है, हमने यहाँ पे FIR दर्ज कराई है और मांग यही की है कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को, जिस भी पार्टी से अगर वो संबंध रखते हैं, पार्टी भी इनके खिलाफ़ कड़ा एक्शन ले और साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन भी उनके खिलाफ में कार्रवाई करे। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।